हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मल्टीप्लेयर गेम्स के बारे में, तो जो आप अपने दोस्तों के साथ खेलना जरूर पसंद करेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं टॉप 10 मल्टीप्लेयर गेम्स के बारे में। तो नंबर 10 पर हमारा आता है लूडो टाइलेंट। आपने काफ़ी टाइप के लूडो खेले होंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। इसमें आपको मैजिक लूडो वगैरह, और इसमें खास बात यह है कि आप खेलते टाइम अपने दोस्तों के साथ ऑडियो पे बात भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात इसकी है कि आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं खेलते टाइम, तो ये इससे आपका गेम जो है वो और भी मज़ेदार हो जाता है। नंबर 9 पर आता है हमारा मिनी मिलिशिया। मिनी मिलिशिया आपने काफ़ी लोगों ने खेला होगा, काफ़ी मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ खेलने में। तो ये काफ़ी पुराना गेम है जो काफ़ी सालों से मैं खेल रहा हूँ और मैं मेरे को भी काफ़ी पसंद है, तो ये खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खेला है तो आप ये गेम भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो अब चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पर आता है बॉम्ब स्क्वाड। ये इसमें आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, दो टीम होती है, तो आप इसमें बहुत ही मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ रूम बना के। ये एक ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम है, तो आप लैन के थ्रू कनेक्ट करके अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी टाइप्स के काफ़ी मोड्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स वाले मोड्स, रेसिंग मोड्स और काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो आप खेलने लगेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और नंबर 7 पर आता है हंटर वर्सेस ब्लॉक, जो कि बोल सकते हैं कि हाइड ऑनलाइन। आपको दो टीम्स वगैरह होती हैं, अगर आप हंटर बनते हो तो आपको प्रॉप्स को ढूंढ के मारना है, और अगर आप प्रॉप्स बनते हो तो आपको छुपना है, ठीक है। तो दो टीम्स होती हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलोगे तो आप काफ़ी मज़ा और काफ़ी फन आएगा इसमें खेलते हुए। तो आप ये भी प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉप बनते हो तो आप ईजिली अपनी चेंज कर सकते हो दूसरे ऑब्जेक्ट्स में, और हंटर्स को आप पिक्स वगैरह में बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो काफ़ी टाइम के लिए। और अगर आप सिंपली, ये बहुत ही फन लविंग गेम है, तो आपको खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। और नंबर 6 पर आता है रियल रेसिंग 3। रेसिंग आप लोगों ने काफ़ी सोलो मोड में खेली होंगी, काफ़ी लोगों को रेसिंग वगैरह गेम काफ़ी पसंद होते हैं। तो ये एक हाई ग्राफिक्स वाला मल्टीप्लेयर गेम्स है जो अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं रियल रेसिंग 3। तो इसमें रेसिंग करने में बहुत ही मजा आता है, और कंट्रोल्स भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है सब। आप अगर चाहे तो सिंपल कंट्रोल्स वगैरह हैं, कोई हार्ड कंट्रोल्स भी नहीं है, तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे तो काफ़ी फन मिलेगा। नंबर 5 पर आता है हमारे पास टर्बो लीग। रॉकेट लीग के बारे में तो आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, अपने स्ट्रीम्स वगैरह भी, यूट्यूबर्स की स्ट्रीम्स वगैरह पे भी देखा होगा, जो कि एक पीसी गेम है, एक्सबॉक्स गेम है। और ये हमारा जो टर्बो लीग है, ये उसका ही एक कॉपीड गेम है, जो कि आपको एंड्रॉयड पर खेलने को मिलेगा, और ये काफ़ी मज़ेदार है। इसमें भी आपकी दो टीम होती हैं और आपको दूसरी टीम के गोल पोस्ट में गोल करना होता है, तो काफ़ी मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, काफ़ी फन लविंग गेम है। एक बार ट्राई जरूर करके देखें, ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो नंबर 4 पर हमारा आता है ग्रैनीज हाउस। इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं है, ये एक हॉरर बेस्ड गेम है। आप अगर इसमें ग्रैनी बनते हो तो आपको जो जो बच्चे बनते हैं उनको ढूंढ के मारना होता है, उनको बच के जाने से रोकना होता है। अगर आप बच्चे बन रहे हो ग्रैनी हाउस में, आपको ग्रैनी से बचना है कि वो आपको पकड़ लें, उससे बचना है, और आपको कीज वगैरह ढूंढ के वहाँ से एस्केप करना है। तो इसमें भी आपको काफ़ी टाइप के मोड्स वगैरह मिल जाएंगे, डिफरेंट मोड्स ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। मेरा ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम्स में से मेरा एक ही है, तो इसको खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। तो ये गेम भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जाके ज़रूर ट्राई करें। नंबर 3 पर हमारा आता है स्क्रीबल डॉट आईओ। ये कोई एक
गेम नहीं है या एप्लीकेशन नहीं है, ये एक सिंपली एक वेबसाइट है। आप सिंपली जाके गूगल पे टाइप करेंगे scribble.io तो आपका एक लिंक खुल जाएगा। वहाँ पे आप अपना प्राइवेट रूम बना सकते हैं या आप वैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता, आप अपने दोस्तों के साथ डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं और वो डायग्राम्स को गैस करते हैं। तो काफ़ी फन लविंग और काफ़ी मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। लग रहा होगा सिंपल गेम लग रहा होगा, लेकिन खेलते टाइम काफ़ी फन आता है और डिस्कॉर्ड के थ्रू हम बातें कर सकते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। ये गेम आप ज़रूर ट्राई करें, आपको इसमें कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, सिंपली बहुत ही अमेजिंग गेम है। एंड नंबर टू पर हमारा आता है फॉल बॉयज। फॉल गाइज के बारे में तो आपने काफ़ी लोगों ने यूट्यूबर्स वगैरह की स्ट्रीम्स में देखा होगा, मोटल्स वगैरह वाइपर्स वगैरह की स्ट्रीम पे देखा होगा, लेकिन फॉल बॉयज जो है एक मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन का एक गेम है कि सेम टू सेम फॉल गाइज का कॉपी है। तो अगर आप ये खेलेंगे तो काफ़ी फन और काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसमें सिंपली आप सेम टू सेम जो कि सारे स्टेप चीज़ें उसमें होती हैं फॉल गाइज में, सेम टू सेम उसका कॉपीड वर्जन है और ये आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो सिंपली इसमें आप स्पेक्टेट भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और डिफरेंट टाइप के मोड जो सेम टू सेम आपने फॉल गाइज में देखे होंगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, खेल के जरूर देखें। टॉप पर हमारा आता है जो कि मेरा बेस्ट और मेरा पर्सनल फेवरेट बोल सकते हैं, जो कि है अमंग अस। ये एक सिंपली लो ग्राफिक है, कोई इतने हाई ग्राफिक वगैरह भी नहीं है, लेकिन ये गेम इतना एकदम से पॉपुलर हुआ है कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। सिंपल ग्राफिक्स वगैरह, सिंपल डिजाइनिंग कुछ भी नहीं है। तो सिंपली अगर आप इम्पोस्टर बनते हो तो आपको जो क्रूमेट्स वगैरह होते हैं उनको मारना है बिना किसी के देखे, और अगर आप फिर उसके बाद में आप मीटिंग वगैरह बुला सकते हो, मीटिंग्स वगैरह में आपको अपने आप को डिफेंड करना, ठीक है। और अगर आप क्रूमेट बनते हो तो आपको सिंपली टास्क वगैरह करने हैं और इम्पोस्टर्स वगैरह से बचना है। तो काफ़ी फन लविंग गेम है, काफ़ी मज़ा आता है, मेरा ये पर्सनल फेवरेट है। एक बार अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खेल के देखा है, मोस्टली आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने ट्राई कर रखा हो, और अगर अभी तक नहीं ट्राई किया तो एक बार ये जरूर ट्राई करें, ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा।